जी, असल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल मजालिसु बिल अमल, और इसका खुलासा ये निकलता है कि अगर किसी शख्स की किसी से फोन पे बात हो रही है और शख्सी तौर पर वो बात कर रहा है मोबाइल फोन से किसी से, तो बगैर उसकी इजाज़त के कॉल को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, और अगर वो कॉल रिकॉर्ड करके बगैर उसकी इजाज़त के दूसरों को सुना रहा है या उसको सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर रहा है, तो ये अमानत में खयानत कहलाएगी और ऐसा करने वाले को गुनाह मिलेगा। लेकिन अगर कोई उमूमी बयान हो रहा है, मसलन मजलिस है और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और कोई शख्स बयान कर रहा है, लोगों के सामने बातचीत कर रहा है, तो उसकी कॉल, उसकी बात को जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है और लोगों को सुनाया भी जा सकता है, और ये जो है खयानत नहीं कहलाएगी, इसलिए कि इसके अंदर किसी तरह की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। जब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इसलिए कोई शख्स ही ये मजलिस नहीं कहलाएगी।